स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि जियो का IUC लगा तो बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, बहुत सारे लोगों ने पोर्ट आउट भी करवा लिए। एयरटेल में उन्होंने अपना नंबर को चेंज करवा लिया, जो कि जियो की IUC यानी इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज 6 पैसे प्रति मिनट की दर से लग रही थी, जो कि जियो से जियो नंबर पर फ्री में और जियो से नन जियो नंबर पर 6 पैसे प्रति मिनट की दर से। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि एयरटेल भी FUP यानी फेयर यूजर्स पॉलिसी के तहत 6 पैसे प्रति मिनट की दर से अपना चार्ज जो है लागू करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरटेल के तरफ से यह किस तरह से लागू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन और आइडिया ऑलरेडी ये घोषणा कर चुकी है कि फेयर यूजर्स पॉलिसी के तहत नन वोडाफोन नंबर नन आइडिया नंबर पर अगर आप बातें करेंगे तो आपसे चार्ज किए जाएंगे 6 पैसे प्रति मिनट की दर से। हालांकि वोडाफोन और आइडिया ने अपना रिचार्ज प्लान की कीमतें भी बढ़ाई है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस तरह से वोडाफोन और आइडिया का रिचार्ज प्लान बढ़ाई गई है। यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि एयरटेल भी FUP यानी कि फेयर यूजर्स पॉलिसी के तहत चार्ज लेने वाली है। अगर आप एयरटेल नंबर से नन एयरटेल नंबर पर बात करेंगे तब आपको ये चार्ज लगेगी। अगर आप एयरटेल नंबर से एयरटेल नंबर पर ही बातें करेंगे तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो यहां पर अभी जो है एयरटेल ने यह लागू नहीं किया है, लेकिन एयरटेल ने यह बताया था कि 3 दिसंबर 2019 को हम अपना नया टैरिफ प्लान उतारेंगे, जिसमें 10% से लेकर 40% तक रेट जो है बढ़ाई जाएगी। तो जब वो नया टैरिफ प्लान लागू होगा तभी हमें लगता है कि यहां पर फेयर यूजेज पॉलिसी चार्ज एयरटेल के तरफ से लागू कर दिया जाएगा। जब एयरटेल के तरफ से फेयर यूजर्स पॉलिसी चार्ज FUP लागू हो जाएगा उसके बाद अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं रहेगा। हालांकि एयरटेल के तरफ से कुछ मिनट दिए जाएंगे, कुछ मिनट ऐसे दिए जाएंगे जहां पर आप नन एयरटेल नंबर पर बातें कर सकेंगे, जैसे अभी जियो के तरफ से कुछ मिनट दिए जाते हैं और वोडाफोन आइडिया के प्लान में कुछ मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आप जो है नन वोडाफोन नन आइडिया नंबर पर बातें कर सकते हैं। लेकिन जब वह मिनट खत्म हो जाएगा उसके बाद जियो की IUC के तरह ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और रिचार्ज करने के बाद मेन बैलेंस से 6 पैसे प्रति मिनट की दर से काट लिए जाएंगे अगर आप नन एयरटेल नंबर पर बातें करेंगे तो। तो दोस्तों हो जाइए सतर्क, अब ये बताना मुश्किल है कि आप कौन से ऑपरेटर के साथ जुड़िए और कौन से ऑपरेटर को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर एयरटेल का जो टैरिफ प्लान आने वाला है उसके बाद जियो का भी टैरिफ प्लान एक और आने वाला है जिसमें कुछ चार्ज बढ़ाए जाएगी। यहां पर जियो का टैरिफ प्लान पहले इसलिए नहीं आ रहा है कि जियो पहले देख रही है कि सारे कंपनी कितना तक के रेट यहां पर बढ़ा रही है, तो उससे जो है थोड़ा सा कम हम रेट रखेंगे या फिर थोड़ा सा डाटा ज्यादा देंगे। अब देखना शेष है कि एयरटेल का जो नया टैरिफ प्लान आने वाला है वह किस तरह से आने वाला है और कितना तक चार्ज यहां पर बढ़ाई जा रही है। फिलहाल मैं बता दूं कि जिस तरह से वोडाफोन और आइडिया का टैरिफ प्लान उतारे गए, अगर एयरटेल का इसी तरह से टैरिफ प्लान उतारे जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आम जनता को रिचार्ज करवाना, क्योंकि 399 रुपये में अभी आपको 84 दिन मिल रही है वैलिडिटी, लेकिन वोडाफोन और आइडिया के तहत 399 रुपये में आपको अब 28 दिन ही वैलिडिटी मिलेगी, 28 दिन तक ही आप यूज कर सकेंगे। और 84 दिन वाला का जो बेनिफिट था वो 599 रुपये में मिल रही है। अगर एयरटेल इस तरह के प्लान लेकर आती है और जियो जो है थोड़ा सा प्लान बढ़ाता है तो यहां पर एयरटेल का ग्राहक जियो में जरूर आ जाएगा। अब यहां पर बात करती हैं कि जो एयरटेल का पहले से रिचार्ज कर चुके हैं क्या उनको भी यहां पर फेयर यूजेस पॉलिसी चार्ज देना पड़ेगा, तो इसका जानकारी अभी तक नहीं आया है। लेकिन पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप पहले से अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा रहे हैं तो हो लगता है कि आपको आगे भी अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो पर कुछ इस तरह से रूल है कि अगर आप पहले से रिचार्ज कर चुके हैं तो उसके बाद कोई भी नया प्लान आता है तो वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होता है और पॉलिसी यही कहता है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने आपको पूरे डिटेल के साथ बता दिया है कि एयरटेल का जो फ्री कॉलिंग है यहां पर FUP आने के बाद अब फ्री नहीं रहेगी, 6 पैसे प्रति मिनट की दर से अब आपको चार्ज चुकाना पड़ेगा नन एयरटेल नंबर पर बात
बातें करने का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमीद जी इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।